हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 23 ऑफ द चैप्टर परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। लास्ट पार्ट 22nd पार्ट में हमने किया था ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, जो कि दिया था डी ब्रोगली ने, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि दिया था वर्नर हाइजेनबर्ग ने। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। इसमें सबसे पहले जानने वाली बात है कि ये क्वांटम मैकेनिक्स, ये क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? वह विज्ञान की शाखा है जिसके अंदर पदार्थ के द्वैत प्रकृति का अध्ययन किया जा रहा है। पदार्थ का द्वैत प्रकृति यानी ड्यूअल बिहेवियर देखते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर दैट इज वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें कि वेव नेचर का और पार्टिकल नेचर दोनों को ही ध्यान दिया जा रहा है, दोनों का अध्ययन किया जा रहा है, वो है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जो कि डील करती है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ में। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कौन से हैं? जैसे फोटोन है, इलेक्ट्रॉन है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स इन्हीं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ डील करती है। जब हम बात करें किसी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की, तो आता है क्लासिकल मैकेनिक्स। यानी क्लासिकल मैकेनिक्स वह शाखा है जिसमें जो कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के ऊपर अप्लाइड है, और इसमें केवल मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का अध्ययन किया जाता है, वह शाखा है क्लासिकल मैकेनिक्स। जब हम बात करते हैं जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स एक डीपर स्टडी है। क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा किसी भी एटम की डीपर स्टडी की जाती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन क्या है, इन सभी का डीपर ज्ञान जो है वो सब हमें क्वांटम मैकेनिक्स से हुआ, ठीक है। और ये किस पे? ड्यूअल नेचर पे बेस्ड है। हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी और ड्यूअल नेचर दोनों पे बेस्ड है। डी ब्रोगली ने दिया ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। डी ब्रोगली इक्वेशन के अनुसार, डी ब्रोगली इक्वेशन बताती है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। लैम्डा इज इक्वल्स टू जो वेवलेंथ है वो एच, जो कि प्लैंक कांस्टेंट है, और पी जो है मोमेंटम है। ये मोमेंटम जो है एम इंटू वी के बराबर है, यानी लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। सारी के सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या फोटोन कहें तो डुअल नेचर के हैं, जिसमें कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों ही हैं, हमें ये ज्ञात है। जब डी ब्रोगली ने बताया कि इलेक्ट्रॉन भी द्वैत प्रकृति रखता है, इलेक्ट्रॉन भी डुअल नेचर रखता है। जब हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन में भी ड्यूअल नेचर है, वेव नेचर है और पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल नेचर कैसे शो हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का खुद का एक मास है जो कि है 9.1 × 10⁻³¹ kgs। अगर इतना मास है इलेक्ट्रॉन का, उसमें मास कैसे है? अगर वो पार्टिकल नेचर है तभी उसमें मास है। तो इसका मास जो है ये बताता है कि ये पार्टिकल नेचर है, और वेव नेचर है इसका। ये वेव नेचर देखा गया कि ये वेव नेचर कैसा है। इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर है वो फॉर्म होता है सर्कुलर स्टैंडिंग वेव्स के रूप में। सर्कुलर स्टैंडिंग वेव्स है ये। स्टैंडिंग वेव्स का हम देख सकते हैं, जैसे कोई गिटार है, गिटार की जो स्ट्रिंग होती है बिल्कुल स्टैंडिंग वेव्स होती है, बट वो लीनियर पोजिशन में है। ये लीनियर ना होके सर्कुलर पाथ में है, ये सर्कुलर पाथ है। और जबकि गिटार की जो स्ट्रिंग होती है वो बिल्कुल लीनियर पोजिशन में होती है, जिस तरीके से वो वाइब्रेट करती है उसी तरीके से ये वाले जो मोशन है ये भी स्टैंडिंग वेव्स के रूप में होते हैं, सर्कुलर पाथ में होते हैं। बोर ने बताया था कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहते हैं। ये ऑर्बिट ना बोलकर हम इसको शेल बोल रहे हैं। इन शेल में थ्री डायमेंशनली पोजिशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की। ये बिल्कुल इस तरीके से फ्लैट ना होकर थ्री डायमेंशनली पोजिशन में होते हैं। अगर ये जो एटम है अगर ये फ्लैट पोजीशन में होते तो पूरा के पूरा जो ब्रह्मांड है, ये पूरा के पूरा संसार है, ये फ्लैट होता। जबकि ये थ्री डायमेंशनली पोजीशन में है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर थ्री डायमेंशनली पोजीशन में होते हैं। जिस तरीके से बीच में न्यूक्लियस है, जो फर्स्ट शेल है ये बिल्कुल थ्री डायमेंशनली पोजीशन में है। हम किसी का शेल मान सकते हैं, ये फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड शेल, इस तरीके से ये शेल जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड शेल में होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन शेल के सब शेल में से, पर्टिकुलरली ये जो शेल है फर्स्ट शेल सेकंड सेल, ये भी सब शेल में डिवाइड होते हैं। समझ सकते हैं आप, शेल सब शेल में डिवाइड है, और साथ ही साथ जो सब शेल है
वो आगे ऑर्बिटल्स पर डिवाइड है। पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की दो और इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की मैक्सिमम संभावना होती है। मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में होते हैं, जो कि एक होता है क्लॉकवाइज, एक है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज पोजिशन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में विराजमान। इस चीज़ को हम और अच्छे से क्लियर करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। वर्नर हाइजेनबर्ग ने दिया था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दैम डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, मतलब एरर इन पोजिशन और एरर इन वेलोसिटी जो है मोर देन और इक्वल्स देन होता है एच अपॉन 4πm के, है ना। ये है वर्नर हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर उसकी पोजिशन और पर्टिकुलर उसकी वेलोसिटी को एक साथ एग्जैक्टली साइमल्टेनियसली उसको एक साथ एग्जैक्ट ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है। उसमें कुछ ना कुछ एरर रह जाती है जो कि मोर देन और इक्वल्स देन होती है एच अपॉन 4πm के, ठीक है। ये दिया था वर्नर हाइजेनबर्ग ने। वर्नर हाइजेनबर्ग और इरविन श्रोडिंगर और वर्नर हाइजेनबर्ग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये श्रोडिंगर जी। वर्नर हाइजेनबर्ग और इरविन श्रोडिंगर ने 1926 में डेवलप किया क्वांटम मैकेनिक्स इनडिपेंडेंटली। क्वांटम मैकेनिक्स को इनडिपेंडेंटली उन्होंने एग्जिस्ट किया, डेवलप किया 1926 में दोनों ने मिलकर, किसने, वर्नर हाइजेनबर्ग और इरविन श्रोडिंगर ने। उन्होंने बताया, श्रोडिंगर ने बताया कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है हमारा, ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है ये कंसीडर करता है दो चीज़ों को, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर को जो कि दिया है डी ब्रोगली ने, और दूसरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को जो कि दिया है वर्नर हाइजेनबर्ग ने। इन दोनों रूल्स को कंसीडर करता है श्रोडिंगर का क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, समझ सकते हैं। इसके बाद बात करें, श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी जिसे कि बोला जाता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1933 में, नोबेल प्राइज मिला था। ये इक्वेशन क्या थी, एच साई इज इक्वल्स टू ई साई, एच साई इज इक्वल्स टू ई साई। एच क्या है, इसमें हैमिल्टेनियन ऑपरेटर है एच, साई जो है वो है वेव फंक्शन, ई जो है, ई है एनर्जी। एनर्जी किसकी, टोटल एनर्जी है किसी एटम की। किसी एटम की जब हम टोटल एनर्जी कहें तो उस एटम की टोटल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी प्लस अट्रैक्शन एनर्जी। अट्रैक्शन एनर्जी किसमें, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन फोर्स की जो एनर्जी है वो, प्लस रिपल्शन एनर्जी। रिपल्शन एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिपल्शन एनर्जी है वो, ये तीनों का टोटल है टोटल एनर्जी ई। इस E की बात की जा रही है, E है टोटल एनर्जी। तो ये जो फॉर्मूला है एच साइन इज इक्वल्स टू ई साइन, ये क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ये बताता है वेव मोशन भी है इलेक्ट्रॉन्स में, और साथ ही साथ में थ्री डायमेंशनल स्पेस के साथ पोजिशन होती है न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स की। ये वेव इक्वेशन बताती है एक तो इलेक्ट्रॉन्स के वेव मोशन को, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स की थ्री डायमेंशनली पोजिशन न्यूक्लियस के चारों ओर। साथ में ही ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये देता है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस इक्वेशन के द्वारा हमने ज्ञात किए, श्रोडिंगर ने बताया क्वांटम नंबर्स। ये क्वांटम नंबर्स हमें बताते हैं पर्टिकुलर एड्रेस। एड्रेस किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में, इलेक्ट्रॉन की क्या पोजीशन है, क्या एड्रेस है, कौन से शेल के, कौन से सब शेल में, कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बैठा है, उसकी एक एक जानकारी हमें क्वांटम नंबर्स से मिलती है। और ये क्वांटम नंबर्स हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मिलते हैं, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये जो इक्वेशंस है, ये सारा जो खेल है, ये है बैकबोन किसका, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का बैकबोन है ये। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का बैकबोन साबित हुआ। अभी आपको ये शॉर्ट फॉर्म में बताया गया है, आगे आने वाली क्लासेस जो हायर क्लासेस में आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को और एनलार्ज करके बताया जाएगा। अभी आपके कोर्स में इतना ही है, लेकिन हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पर्टिकुलर एड्रेस बता रहा है आपको इलेक्ट्रॉन का कि एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाला टॉपिक, हमारा आने वाला जो पार्ट है, पार्ट नंबर 24th। तो मिलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 24th में। आपको ये सारे नोट्स अच्छे से बनाने चाहिए, लिख लिख कर याद करना चाहिए।
जो मैं समझा रही हूँ, अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।